नमस्कार साथियों, 5 मिनट नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे आविष्कार की बात करेंगे जिससे समय में पीछे देखा जा सकता है। यह आविष्कार अपने यूनिवर्स में बनने वाले सबसे पहले स्टार और गैलेक्सी को देख सकता है। तो दोस्तों, यह आविष्कार है जेम्स वेब टेलीस्कोप। आप यह सोच रहे होंगे, यह तो बस एक टेलीस्कोप ही तो है जिससे हम स्टार, प्लैनेट और गैलेक्सी देखते हैं, तो इससे समय में पीछे कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपना यूनिवर्स 9300 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। इसका मतलब अगर आप लाइट के स्पीड से चलते हैं तो आपको यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में 9300 करोड़ साल लग जाएंगे। तो इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स दोस्तों। अपने सन से अर्थ तक लाइट को पहुँचने में अप्रॉक्स 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब जो हम अभी सूरज देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है। वैसे हर एक चीज़ जो हम अपने यूनिवर्स में देख पा रहे हैं वो कुछ समय पुरानी है, और कुछ इतनी पुरानी चीज़ें भी देख सकते हैं जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था, 1360 करोड़ साल पहले का यूनिवर्स। जैसा कि हम जानते हैं, टेलीस्कोप से हम बहुत दूर की चीज़ें आसानी से देख सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स। हमारी आँखें सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जो थर्मल रेडिएशन की कैटेगरी में आता है। मतलब ऐसे रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से बनते हैं। विजिबल लाइट का वेवलेंथ 740 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर का है, और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से 7500 डिग्री सेल्सियस तक का है। 740 नैनोमीटर वाली लाइट लाल रंग की होती है, जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 380 नैनोमीटर वाली लाइट नीले रंग की होती है, जिसका टेम्परेचर 7500 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। हमारे यूनिवर्स में ज़्यादातर रेडिएशन फैला हुआ है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का है, जो कि ऑब्जेक्ट के सरफेस टेम्परेचर और या तो रेड शिफ्ट से है। रेड शिफ्ट एक तरह का फेनोमेना है जिससे थर्मल रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। और साइंटिस्टों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यूनिवर्स बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे किसी गैलेक्सी या स्टार से निकली हुई लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है, जो नियर इंफ्रारेड या मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आ जाता है। तो हमें ऐसे टेलीस्कोप का आविष्कार करना पड़ा जो इंफ्रारेड रीजन में देख सके। ऐसा नहीं है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले कोई इंफ्रारेड टेलीस्कोप नहीं बना। इंफ्रारेड डिटेक्ट करने वाले बहुत टेलीस्कोप बने, लेकिन उनमें से अब तक सबसे अच्छा टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप था, जिसको 1990 में लॉन्च किया गया, आज से 3 दशक पहले, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जिसने यूनिवर्स के बहुत से सीक्रेट से पर्दा हटाया। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप एक लिमिट तक ही समय में पीछे देख सकता था, करीब 1330 करोड़ साल पहले तक ही, और तब तक पहली गैलेक्सी और पहला स्टार बन चुका था। लेकिन साइंटिस्टों को समय में और पीछे देखना था, इसलिए साइंटिस्टों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का आविष्कार किया। चलिए जानते हैं ऐसा क्या है इस टेलीस्कोप में जो दुनिया के किसी टेलीस्कोप में नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की हेल्प से तैयार किया है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब पे रखा है, जो 1961 से 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने अपोलो मिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 में एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया गया, अर्थ सन के लैग्रेंज L2 पॉइंट पे, जो एक तरह का इक्विलिब्रियम पॉइंट है अर्थ और सन के ग्रेविटी सिस्टम का, जो अर्थ सरफेस से अप्रॉक्स 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस ऑर्बिट में रहने का यह फ़ायदा है कि अगर टेलीस्कोप अपनी सनशील्ड को एक पोजीशन में सेट कर लिया तो अर्थ और सन के ग्रेविटी के इफ़ेक्ट से सनशील्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, और इन फ्यूचर मेंटेनेंस करना होगा तो इजी होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम के बने हैं। बेरिलियम हार्ड और लाइट वेट का होता है और कोल्ड कंडीशन में डिफॉर्म नहीं होता। गोल्ड की कोटिंग इंफ्रारेड रिफ्लेक्टिविटी अच्छी रखती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 18 हेक्सागोनल मिरर लगे हैं, जिससे मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर का हो जाता है, जिससे मिरर रिफ्लेक्शन सरफेस एरिया
हबल टेलीस्कोप से अप्रॉक्स 6 टाइम ज़्यादा हो जाता है। हबल टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 2.4 मीटर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का साइज हबल स्पेस टेलीस्कोप से काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका वेट हबल टेलीस्कोप से आधा ही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 टाइम्स धुंधले ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इतना बड़ा बनाना इसलिए पॉसिबल हो सका, जो मिरर्स थे वो फोल्ड हो सकते थे, जिसे रॉकेट में रखकर लॉन्च करना आसान हो गया। आखिर क्यों हबल एक लिमिट तक ही समय में पीछे देख सकता था? हबल के जो मिरर्स हैं वो कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, तो समय में और पीछे देखने के लिए टेम्परेचर और कम चाहिए था, ताकि मिरर से वो इंफ्रारेड रेडिएशन ना निकले जिसे हम देखना चाहते थे। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ऑपरेटिंग टेम्परेचर -223 डिग्री सेल्सियस का है, जिससे हम 600 नैनोमीटर से 28,300 नैनोमीटर की वेवलेंथ का रेडिएशन देख सकते हैं। और इस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में दो तरह का मैकेनिज्म है, पहला सनशील्ड और दूसरा है क्रायोकूलर्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सनशील्ड 5 लेयर्स की है, जो इंसान के बाल जितनी पतली है, जो कि कैप्टन ई पॉलीमाइड फिल्म से बनी है, जिसपे अल्यूमिनियम की कोटिंग और सिलिकॉन की डोपिंग है लेयर के दोनों साइड, जिससे सनशील्ड की पहली दो लेयर सन के इंटेंस रेडिएशन को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है और बाकी की लेयर बाकी बची रेडिएशन को। सनशील्ड को 12 लेयर्स में फोल्ड किया जा सकता था, जिससे एरियन 5 के 4.57 मीटर पेलोड डायमीटर में फिट होना था। सनशील्ड जब पूरी तरह से खुलती है तब उसकी लेंथ 14.162 मीटर और ब्रेथ 21.197 मीटर होती है। क्रायोकूलर्स एक तरह का रेफ्रिजरेटर, जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर अचीव कर सकता है, -200 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर भी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक बार में 40% आसमान को देख सकता है, और 6 महीने में जब वो सन का आधा चक्कर लगा चुका होगा तब वो 100% स्काई का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ कुछ कमाल के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिससे उसको वो पावर मिलती है जो अदर टेलीस्कोप में नहीं है। फर्स्ट नीर कैम, नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिससे 600 नैनोमीटर से लेके 5000 नैनोमीटर की इंफ्रारेड की वेवलेंथ को डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा नियर स्पेक, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी परफॉर्म करेगा, जिससे हम समय में और पीछे देखने में मदद मिलेगी। तीसरा मीरी, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, जो 5000 नैनोमीटर से 27000 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मेजर कर सकता है। चौथा FGS, फाइन गाइडेंस सेंसर, जो ऑब्जर्वेशन को स्टेबल रखने का काम करता है, जिससे टेलीस्कोप की पोजीशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह कुछ कमाल के इंस्ट्रूमेंट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे हैं। दोस्तों, हम चाहें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बहुत बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप अर्थ पे बना सकते हैं, लेकिन अर्थ के एटमोस्फियर के वजह से इंफ्रारेड सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए अभी के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का बेस्ट इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी 5 मिनट नॉलेज में। धन्यवाद।